अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक टेक्निकल टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूफोन की वाईफाई डिवाइस की, इसमें कौन कौन से फ़ीचर हैं और इसमें एंटीने वगैरह आप कहां पर लगा सकते हैं और इसको आप मोबाइल में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर बैटरी की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर वाईफाई है, और यहाँ पर SMS का इंडिकेशन है, और यहाँ पर सिग्नल का इंडिकेशन है, और यहाँ पर ZTE लिखा यूफोन है, और यहाँ पर आप इसको सिम लगाएंगे और सिम के साथ ही इसका रीसेट का बटन लगा हुआ है। तो ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पर सिम लगा दें, और यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप रीसेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर इसको रीसेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये इसका WPS बटन है जो आप बग़ैर पासवर्ड के वाईफाई को मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका पावर बटन है, और इस तरफ ये चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ पर एंटीने की पोर्ट लगी हुई है। अगर आपके इलाके में सिग्नल कम आ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि इसको एंटीने लगा के सिग्नल वगैरह बढ़ा सकें तो यहाँ पर इसको आप एंटीने वगैरह भी लगा सकते हैं। एक ये है और एक ये है, दो एंटीने इसको लग सकते हैं। तो इसके अलावा बैक साइड में इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसका IP एड्रेस है और वाईफाई की वगैरह है, तो मेड इन चाइना है। और इसका जो IP एड्रेस है इसको मैं अभी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन करता हूँ गूगल क्रोम में, तो मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो अभी चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और सीखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग है। डिवाइस को मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है, और अब इसका जो IP एड्रेस है इसको ओपन करते हैं। IP एड्रेस जो है ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3G के सिग्नल आ रहे हैं, और इसके नीचे जो इसकी स्पीड है वो दिखा रहा है, और एक डिवाइस कनेक्ट है ये दिखा रहा है, और इसके अलावा SMS हैं और अदर सेटिंग है। तो आपको जो भी सेटिंग करनी हो, जितनी सेटिंग आपके सामने आ रही है इसमें जो सेटिंग आप चेंज करना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें और आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्ट आ रहा है, और इसके अलावा अदर सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसका पासवर्ड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2G 3G 4G ऑटो मैनुअल करना चाह रहे हैं तो इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करके तो आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने पेज दूसरा ओपन हो गया, और यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो पे लगा हुआ है, तो अभी इसको मैनुअल 2G 3G 4G आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको अप्लाई करें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।